हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं रंजना। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं नारियल के लड्डू की रेसिपी। ये वाली रेसिपी बहुत ही सिंपल है, आप इसे इजीली कभी भी बना सकते हैं। जितना ज़्यादा इजी है ये बनाने में, उतना ही ज़्यादा ये खाने में टेस्टी होता है। आप इसे बनाइए, आप इसे कान्हा जी के भोग के लिए बना सकते हैं। इसे आप घर में रेगुलर मिठाई के रूप में बना के रख सकते हैं। घर में बड़े छोटे सबको बहुत ही पसंद आता है ये वाला नारियल का लड्डू। तो चलिए हम देखते हैं हमें क्या करना है। तो यहाँ मैंने पहले चढ़ा लिया है गैस पे एक कढ़ाई। कढ़ाई हल्का गर्म हो जाए फिर हम इसमें मिलाएंगे मार्केट में जो मिलता है नारियल का बुरादा, डेसिकेटेड नारियल, ये वही है। मैंने इसे 250 ग्राम लिया हुआ है। तो इसे हम कढ़ाई में डाल लेंगे और थोड़ा सा पाउडर हम बचा के रख लेंगे लड्डू को कोट करने के लिए। तो आप यहाँ पर मीडियम फ्लेम पर इसे 1.5 से 2 मिनट तक भून लीजिए। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है फ्लेम हाई नहीं करना है, बहुत जल्दी भुन जाते हैं ये वाले नारियल के बुरादे, बहुत ही जल्दी भुन जाते हैं। तो आपको इसके लगातार चलाते रहना है और इसे मीडियम फ्लेम, मीडियम टू लो करके आपको इसे 1.5 से 2 मिनट तक भून लेना है। इसमें आपको किसी तरह से घी या कोई भी चिकनाई डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वैसे भी नारियल ऑयली होते हैं तो इसमें से खुद ही ऑयल निकलता है। तो आप इसे अच्छे से भून लीजिए ताकि इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आने लगे। भूनने से इसमें बहुत ही अच्छी खुशबू आती है और इसका टेस्ट भी बहुत बढ़िया हो जाता है। तो बस इसे 2 मिनट तक भून लीजिए। तो आप अब यहाँ देख सकते हैं ये बिल्कुल अच्छे से भून चुका है। ये देखिए, बहुत ही ज़्यादा डार्क नहीं करना है हमें, बस 2 मिनट में बहुत ही अच्छे से भून जाता है। तो जब इस तरह से कलर आ जाए फिर हम यहाँ पर मिला लेंगे इसमें कंडेंस्ड मिल्क। कंडेंस्ड मिल्क आपको 100 ग्राम या थोड़ा सा उससे ज़्यादा लेना है। तो यहाँ पे हम चीनी यूज़ नहीं करेंगे, कंडेंस्ड मिल्क में वो सब कुछ है जो हमें लड्डू बनाने के लिए चाहिए होगा। तो हम इसे मिला लेंगे इसमें और बहुत ही अच्छे से इसे चलाएंगे। गैस का फ्लेम अभी ऑन रखेंगे, हमें इसके साथ भी इसे भूनना है। तो बस इसी तरह से आप मिला लीजिए। ये देखिए, इसे मिलाते हुए हमें थोड़ी देर और भून लेना है। तो यहाँ पे मैंने बहुत ही अच्छे से इसे फिर भून लिया है कंडेंस्ड मिल्क के साथ। आप यहाँ पे ध्यान देंगे, आपको लगेगा कि हमारा मिक्सचर थोड़ा ड्राई है तो आप यहाँ पे दूध डाल लें। दूध से इसका टेक्सचर बहुत ही अच्छा स्मूथ हो जाएगा, जिससे हमें लड्डू बनाने में बहुत ही आसानी होगा और टेस्ट भी अच्छा आएगा। तो मैंने यहाँ पर ज़्यादा नहीं, बहुत थोड़ा सा दूध यूज़ किया है। और दूध डालने के बाद भी आपको थोड़ी देर इसे भूनना है जब तक कि ये बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट ना हो जाए। तो आपको इसी तरह से चलाते हुए 2 से 3 मिनट तक भून लेना है। आपको लगेगा कि हाँ, हमारा मिक्सर बिल्कुल लड्डू बनाने लायक सही हो गया है, फिर आप इसे गैस से उतार लेंगे। तो ये देखिए, ये बिल्कुल सॉफ्ट हो गया इसका टेक्सचर। हमें इसी तरह का टेक्सचर चाहिए लड्डू बनाने के लिए। तो दूध आप उसी हिसाब से यूज़ करें, थोड़ा या उससे थोड़ा ज़्यादा, जिससे इसका टेक्सचर अच्छा आ जाए। और दूध डालने के बाद थोड़ी देर आप इसे ज़रूर भूनें। तो ये देखिए, हमारा मिक्सर बिल्कुल रेडी है, भुन चुका है ये बहुत ही अच्छे से। दूध के साथ भी ये बहुत ही अच्छे से भुन चुका है। तो इस तरह का फॉर्म आपको जब मिले तो आप समझिए कि ये बिल्कुल रेडी है। और आप यहाँ पे इसे गैस को बंद कर दीजिए और इसे कढ़ाई में ही थोड़ी देर ठंडा होने दीजिए या फिर कढ़ाई से बाहर निकाल लीजिए, क्योंकि लड्डू हम तभी बना पाएंगे जब ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा, क्योंकि अभी ये बहुत गर्म है। कुछ देर बाद हमारा मिक्सर ठंडा हो गया है तो अब हम बनाएंगे इसके लड्डू। तो लड्डू का साइज़ आप अपने अकॉर्डिंग बनाएं। तो मैंने यहाँ पे ले लिया है लड्डू का साइज़ के बराबर लोई और बस बहुत ही इजीली ये बन जाते हैं। हाथ में घी या तेल लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये ऐसे ही ऑयली हो जाते हैं हाथ में। तो ये देखिए, बिल्कुल सॉफ्ट चिकने लड्डू यहाँ बनके रेडी हैं। आप इस लड्डू को एक बार नारियल के बुरादे में फिर से कोट कर लीजिए, इस तरह से घुमा दीजिए उसमें, तो ये बहुत अच्छे से कोट हो जाएगा और ये हमारा नारियल का लड्डू बनके तैयार है। इसी तरह से हम बाकियों के लड्डू को तैयार कर लेंगे। बहुत ही जल्दी ये बन जाते हैं और काफ़ी टेस्टी होते हैं ये। तो ये देखिए, हम बाकी के लड्डू को इसी तरह से बना के तैयार कर लेंगे, कोट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने सारे लड्डू को बना लिए हैं। बनने के बाद आप ये देखिए, इस तरह का लड्डू आपको मिलेगा जो बहुत ही टेस्टी होता है। तो अब आप इसे गार्निश कर लीजिए, डेकोरेट कर लीजिए अपने अकॉर्डिंग। कोई भी ड्राई फ्रूट इसके ऊपर आप रख लीजिए, पिस्ता रख दीजिए, बादाम के टुकड़े रख लीजिए, या फिर आप इस पर काजू भी रख सकते हैं, जो भी आपके घर में पसंद किया जाता है। ड्राई फ्रूट्स या बिना ड्राई फ्रूट्स के भी आप इसे सर्व कर सकते हैं, ये बहुत ही टेस्टी होता है। तो ये देखिए, मैंने कुछ पे पिस्ता लगाया हुआ है, कुछ पे बादाम लगाया है और कुछ मैंने सादे छोड़े हुए हैं, क्योंकि बच्चे ऐसे ही पसंद करते हैं। तो फ्रेंड्स, ज़रूर ट्राई करिए इस लड्डू को और मुझे बताइए कैसा लगा आपको।